कोई कोई यही होता है, जो नए फोन होते हैं ना वो ओपन नहीं होते ना, ओपन नहीं मेल आ गया। तो जी यहाँ पर मेरे दिन का आगाज हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने किचन को साफ किया, एक जैसा किया। उसके बाद जी मैंने सोचा कि खाना चाना बनाने की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी अब हो चुका था अब मुझे, ताकि अब जल्दी से शुरू कर दूँ, ताकि मुझे और भी काम है, रेडी होना है और न्यास पर जाना है। तो इससे अच्छा है ज़रा मैं पहले सारे ये काम कर लूँ, ताकि फिर मुझे एक तसल्ली हो कि घर पर खाना बना हुआ है और मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे बस इसी बात की फिक्र होती है कि खाना टाइम पे बन जाना चाहिए, क्योंकि पापा कभी भी आ सकते हैं ऑफिस से, और मुझे होता है अगर वो ऑफिस से आए तो घर पे खाना बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो घर पे आए तो ये बोले ये क्या आया भाई, वैसे ऐसे मैं उनको मौका तो नहीं देती। खैर तो बस इसी बात की मुझे फिक्र होती है कि खाना सिर्फ बस टाइम पर बन जाए, तो और कुछ नहीं मुझे चाहिए। और आजकल जो ये गैस का इशू भी चल रहा है ना, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। कोई काम करना होता है, मेरे माइंड में होता है कि अभी मैं लंच बनाकर अभी मैंने कहीं जाना है, नहीं जा सकती वे ये सोच करके, ये याद किया है अभी गैस का इंतज़ार करते करते इतना टाइम गुजर जाता है तो फिर नहीं आती, तो आप इस चीज़ की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाता है। कोशिश तो यही करते हैं कि खाना टाइम पर बन जाए। और बस अब गला मेरा थोड़ा सा बैठ गया, पता नहीं क्यों, और वॉइस ओवर के टाइम में मेरा गला बैठ जाता है, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना तो प्लीज़ बिल्कुल ही मत देखिएगा करें, और ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपके लिए। और बस ये न्यू चैनल है मेरा, ये सेकेंड चैनल है मेरा, 2.0 से तो पता चल जाता है कि ये सेकंड चैनल है। तो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जिस तरह से आपने मुझे पहले चैनल पर सपोर्ट किया उससे कहीं ज़्यादा आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें, तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही चैनल चलते हैं। अगर आपको पसंद आता है, आप अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी वजह से ही ये एक अप्रिसिएशन मिलती है, एक हौसला अफजाई होती है। तो आप लोगों की वजह से भाई हमारा चैनल चलता है, सीधी साफ बात है, ठीक है ना। तो आप लोगों की वजह से चलते हैं, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना तो आप बिल्कुल मत देखें। तो जी खाना शाना बनाने के बाद मैं आ गई थी न्यास करने, और न्यास करने से पहले बड़ी अच्छे से तैयार होकर गई थी मैं, क्योंकि आज चार शबान का भी दिन था और दस्तरखान लगा था यहाँ पर, प्लस कुंडों की न्यास भी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे जी हमने न्यास की, बहुत मज़े की न्यास थी, हर एक चीज़ बहुत मज़े की थी, बहुत बातें की, बहुत इंजॉय किया। और सोचा साथ यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो जी यहाँ पे हमने हर एक चीज़ टेस्ट की थी और बहुत मज़े की बनी थी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। आज ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है, बड़े दिनों बाद शुरू किया है। थोड़ा सा मैंने ब्रेक बीच में लिया थी, लेकिन नो प्रॉब्लम, आई एम बैक। तो बस अब ये है कि अब जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे व्लॉग मैं लाती रहूँगी। और जी आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज है चार शबान का दिन है और हम सब तैयार होकर बैठे हैं, और अभी हम न्याज वगैरह भी करके आए हैं। और मम्मा मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है, वो भी पूछती हूँ भाई क्या रीज़न है मम्मा क्यों नाराज़ है। तो जी मैं पूछती हूँ फिर मम्मा को, मम्मा जी नाराज़ क्यों यार, नाराज़ क्यों हो, इधर 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 बैठे क्यों, नाराज क्यों है, वो ये नहीं नाराजगी मामा काके ना करो, क्या नाराजगी यार, बहुत नाराज, क्या क्या हुआ, तुम मुझे वो गाड़ी नहीं लेके देते, तुम्हें पता है मैं क्यों नाराज,
यार इतना एक्सपेंसिव क्या करना है, मैंने इसलिए रोका आपको। क्या करोगे बताओ, आप कोई और पसंद कर लें। यार देखें इतना महंगा क्या जरूरत है। वैसे मैंने कहा चलो इतना महंगा क्या करना है, इससे अच्छा बंदा कोई गोल्ड बना ले, डायमंड बना ले। तो मैं जरा इस मामले में थोड़ी सी कंजूस हूँ, मम्मा का रोकती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, तो मम्मा इसलिए थोड़ी सी नाराज है, थोड़ी सी से ज़्यादा नाराज है। जैसा भी मेरा मोबाइल होगा ना, छोटा सा बस सस्ता सा, उसके बाद मैं इसके साथ बॉक्सिंग खेलूंगी। नहीं सस्ता मोबाइल ले, यार सस्ता मैक्सिमम 60,000 तक इज इनफ, इतना इनफ है भाई, आप सब भी जानते हैं इस बात को, इनफ है। आपको पता है ना कि बहुत अच्छा कैमरा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। क्या पता मामा का भी चैनल आ जाए। असल में बात यही है कि चैनल भाई आने वाला है मामा का, मैं पहले ही बता दूं मामा का चैनल आने वाला है जी। मामा ने क्या करना है बताओ, मामा ने क्या करना है, मामा का व्लॉगिंग का चैनल होगा, क्या होगा ये आगे जाके आपको पता चलेगा। बहरहाल मामा का चैनल अनाउंस हो गया है, तुम्हारे साथ है कि मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो गया है, जो भी मुझ में टैलेंट होगा मैं दिखा दूंगी। मतलब आपको तो इतना कुछ आता, मामा को इतने अच्छे अच्छे DIYs आते हैं, रेमेडीज आती हैं, तो मैं तो मामा को ये सजेस्ट करूंगी, बाकी मामा की मर्जी है, मामा को क्या अच्छा लगता है तो जो उनको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। अब तुमने मेरी बात सुन ली है ना। सुन ली जनाब, सुन ली। कल तक तुमने मेरे साथ डन, आज भी मैंने सुला हैंडशेक कर लो, सुलग लो, ठीक है, डन, डील डन। लेट मी गो फर्स्ट। पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। कौन सा वो पसंद है, वो चिकन स्नैकर यहाँ पे ना बहुत मतलब ये बर्गर भी है और ये हॉट ड्रिंक भी है साथ, ये चीज उधर बैठना। मामा का नाम फोन लेने आया है और मामा का मास्क नहीं मिल रहा और मामा मास्क को लेकर बहुत परेशान है कि मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है, जब से ये यहाँ लैंड किए ना अभी तब से मामा मैं मास्क ढूंढ रही हूँ, मास्क अभी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ Assalamualaikum beautiful people, welcome back to another vlog. I hope you are doing good. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज ही हम आए हैं क्रीम बॉल ब्लॉक मार्केट और मोबाइल फ़ोन लेना था मम्मा ने, जैसा कि बताया था काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग पे था, तो आज फाइनली मोबाइल फ़ोन लेने आ गए हैं और मतलब अब हो रहा है कि मुझे भूख लग रही थी, ठीक है, तो मम्मा ने कहा पहले मैंने लंच नहीं किया था, तो मम्मा ने कहा भाई तुम लेकर पहले लंच करो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ढूंढने में जब हम बाय करने जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले खाना चाहते खाते हैं और मेरा खाना आ गया, तो खाना चाना खाने के बाद हम चले गए मार्केट, मार्केट भी आपको दिखाऊंगी कौन कौन से फ़ोन देखे और कौन कौन से अच्छे वाले आए हैं बताने की कोशिश करूंगी। और ये जी मेरा खाना आ गया, मैं खाना खा लेती हूँ।
मामा नहीं बताती यार खा लो किसी, मामा नहीं खाती ये वाला चिकन। पक्का प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। नहीं यार इन्होंने खाना कोई नहीं है, ड्रामे मैं ना फिल्म चला रही हूँ, पर आज मैं खा लेती हूँ। ये मेरा बर्गर और ये मेरा एक चिकन पीस, मेरा मील आ गया। चलो आज से तुम्हारा फास्ट बंद, आज के बाद नहीं खाना, उसके बाद कम करना। तो मैंने तुम्हें थोड़ी चिकन फिकन नहीं खिलानी, सब्जियाँ खिलानी है बॉय, ठीक है? ये हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। बिल्कुल सही यार, इसलिए तो अच्छी तरह तुम्हें अच्छा वो बकरे को पहले कुछ हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है, ये वो वाला ट्रीटमेंट मेरे साथ फ्रैंक हो गया, मेरे साथ ही हो गया फ्रैंक। मामा ने वो कहते हैं बकरे को मारने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मामा कह रही है इसके बाद तुम्हारा जंक फूड बंद बंद बंद। ये खुल नहीं रहा मामा। ओके मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ ना। हाँ आ जाए। और ये आ गई है मार्केट, और मैं उतार दूंगी मास्क ताकि मैं जरा कोल्ड ड्रिंक श्रिंक भी पी लूँ। कोल्ड ड्रिंक श्रिंक भाई आ गए हैं, अब अंदर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। ऐड करने में आपको ये टेंस ही है टेक्नो का? हाँ जी हाँ जी। मुझे भी ये पास हो नोट 12 ना आप कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल आईफोन वाला डिजाइन है। अच्छा वो कहते हैं नोट 12 गर्म हो जाता है, तुझे चाहिए कौन सा? कुछ भी नहीं होता। अच्छा ये है कि मैंने बनाया फिनिक्स का, मैं तुझे बताता हूं ये 8128 है, ठीक है? ये मैंने ये वाला भी चलाया और ये वाला भी, ये वाला नहीं चलाया, ये जरा महंगा है, ये वाला नहीं चलाया। ये सेकंड हैंड में ये भी है और ये भी है, ये दोनों मैंने चलाए, दोनों के एक्सपीरियंस अच्छे है, हर चीज है। ये 8256 है, ये इन्फिनिक्स का है नोट 30 8256, ठीक है? और ये 45 का मिलेगा आपको, ठीक है? और ये नोट 30 प्रो विजन वाला, ये इसकी भी 8256 है लेकिन ये प्रो है, इससे अच्छा ही है प्रोसेसर इसमें अच्छा है। ये आपको मिलेगा कितने का मिलेगा? 67 का ये मिलेगा ये वाला, और ये आपको मिल जाएगा 38 का। सबसे सस्ते मेरी नज़र में ये भी ठीक है। इसमें रिजल्ट क्या है, क्या चीज़ है? 50 मेगापिक्सल डुअल कैम। हाँ जी 50 मेगापिक्सल डुअल दोनों कैम। अच्छा है 50 मेगापिक्सल। और ये वाला जाहिर है आप जितने पैसे लगाए हैं ना उतना ही अच्छी चीज़ है, वो जाहिर है अच्छी 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 चीज़ है। और वो इसे पूरी जो रेंज के अंदर है ना वो ये वाला सबसे बेस्ट है। 108 कितना बता रहे हैं? 38 का ये दिखा है इसका, इसमें इसके प्राइस गिरे हैं, इन तीनों के प्राइस कम हो गए। यही होता है जो नए फोन होते हैं ना वो ओपन नहीं होते ना, ओपन नहीं होते, ये बड़ा खुश होता है, जल्दी सेल हो जाते हैं ना। दो तीन महीने हो गए सारे आए इन्फिनिक्स के, टेक्नो छाया हुआ है। हाँ टेक्नो स्पार्क ये सारे हाँ सही। ये कलर अच्छा है, मुतालिक कलर से तो अच्छा है, जो अंदर की चीज़ है तो अच्छी होनी चाहिए रिजल्ट। तो रेडमी के आपके पास ये सी 13 मेगा पिक्सल 13 बुक मिलेगा, और जो उसका रेडमी 12 है ना चाहे जो साइज आपको 32 का मिलेगा, और जो उसका 8 कैमरा कितने मेगापिक्सल है इसका? इसका 13 और 8 ये अच्छा है। जहाँ तक होगी गुंजाइश मैं आपको निकाल दूंगा। 8 GB रैम है, 8 GB प्लस है, ठीक है? 8 GB मतलब 8 + 8 है, फिर 256 GB इसकी अपनी मेमोरी है।
और 45 वाट का जो सस्ता डिस्प्लेयर है और कोई 20 से 25 मिनट में नहीं सो सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। आप कह रही थी वाई 70 ना, ये वाई 27 है। इसका जरा दिखाइए क्या प्राइस है। ये ओपन में पड़ा है, तो ओपन में नहीं है। इसका क्या प्राइस है? अच्छा, जमीन मेरे पास ही आ गई है। मेरे को भी हमें थोड़े दोस्त चाहिए। हाँ जी, मोबाइल तो दिखाओ बाबू, जिसका रोला था दिखा दो। ये जी ऑफ कर दो, बिल्कुल डीपी ना नजर आ। ये जी मामा का फोन आ गया फाइनली। खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं ना। अब तो नहीं नाराज। थैंक यू मामा। ऐसे भी है जैसे मैंने इनको अपनी अर्निंग में से लेकर दिया। मामा को होता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ चलो, तुम लेकर दो मुझे। तो आप में भी ये समझते हो कि तुम लेकर दो, इसका मतलब शायद ये है। बट अभी ऐसा नहीं है, पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम। अच्छा, मैं जब कोई भी काम करती हूँ ना, तो तुम हाँ कहती हो तभी मैं करती हूँ। और मुझे पता तुम समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी बात करती हूँ। अच्छा, तुम मेरे लकी हो, इसलिए मैं कहती हूँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। चले ठीक है। और तुम मुझे पैसे लगाने नहीं देती ना। हाँ, बेस्ट एडवाइजर भी तो हूँ ना। एडवाइजर हो मेरी तुम, मेरी सारा कुछ, मेरी डॉक्टर भी हो, मेरी नर्स भी हो, और मेरी वो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रेडी हो गया है। एडिटिंग कर लिया मैंने, और फोन लेना था वो भी ले लिया। भाई इतना मुझे सताया है ना मम्मा ने भी और पापा ने भी, बोलेंगे ये क्या कह रही है, लेकिन खैर है मेरा चलता उनके साथ। तो इन्होंने मुझे इतना तंग किया, मुझे फ़ोन लेना है, मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता। मैंने कहा भाई चलते हैं चलते हैं। कुछ ऐसे फ़ोन्स थे जो इन्होंने देखे थे, लेकिन वो मार्केट में लॉन्च नहीं हुए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा वेट कर लें कि आपकी आपका जो फेवरेट है वो तो एटलीस्ट आपको मिल जाए ना। तो इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर मैंने कहा चले आप अब चलें देखते हैं। वो खैर वो वाला फ़ोन तो नहीं मिला, लेकिन मैंने ट्राई की कि आप पसंद कर ले, तो फाइनली पसंद आ गया। ये था कि जो सीन है वो काम जो है वो हो जाए टाइम पर। तो मुझे भी था आप जल्दी से, कि आप क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आप ले लें फ़ोन, ये अब ये शराब तोड़ दें। तो फाइनली फ़ोन ले लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ोन आ गया और बहुत अच्छी रेंज में आ गया। और मुझे इस बात की थी कि इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत है भाई। तो खैर इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया, कभी पापा कह रहे मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उधर से मामा ने फ़ोन का रोला डाला हुआ, इनके दोनों के नए नए रोले होते हैं डे बाई डे। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, तो इनसे निपटना भाई बड़ा मुश्किल काम है। और आजकल के माँ बाप वैसे बच्चों की बात नहीं सुनते, तो इनको सुननी चाहिए बात।
ठीक है जी, तो ये जी आज था मेरा व्लॉग, और इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.